हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें, जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां हिजाब विवाद को भड़काने में जुटा पाकिस्तानी विदेश मंत्री, कहती है दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हिजाब मुद्दे को लेकर बड़ी बात। दोस्तों बताएंगे कैसे दंगे भड़काना चाहता है पाकिस्तान। दोस्तों साथ ही आपको बताएंगे, जहां पर पाकिस्तान के लिए भस्मासुर बना तालिबान, सीमा पर बनाएगा 30 सैन्य चौकियां, भारत से बढ़ा रहा है दोस्ती, क्या होगा इमरान खान का। दोस्तों बताएंगे बड़ी खबर आपको, साथ ही बताएंगे जहां रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने दोस्तों बड़ी धमकी दी है, नाटो में शामिल हुआ यूक्रेन तो होगा परमाणु युद्ध, बड़ी धमकी दोस्तों। और सुरक्षा में हुई चूक के बाद पहली बार पंजाब जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। जी हां दोस्तों, बताएंगे क्या है मुद्दा। और एक बार फिर अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच में ठनी हो गई है दोस्तों, फिर खटास आ गया है रिश्तों में, बताएंगे क्या है मुद्दा। तो दोस्तों हर तरह की आपको अभी हम जानकारी देने वाले हैं, तो आराम से बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले, हमेशा की तरह मानते हैं कि अपना देश नंबर वन है और मोदी जी हैं, तभी हर चीज संभव है। भारतीय सेना तो अपना देश गर्व से जी रहा है दोस्तों, और आपको भी भारतीय होने पर शान है, गर्व है। तो इस वीडियो का भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हां दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां हिजाब विवाद को भड़काने में जुटे पाकिस्तानी विदेश मंत्री, कहा यह भारत में मुस्लिमों के दमन का प्लान है। जी हां दोस्तों, भारत के कर्नाटक राज्य में मुस्लिम लड़कियों के स्कूल के अंदर हिजाब पहनने को लेकर चल रहे विवाद को पाकिस्तान सरकार और ज्यादा भड़काने में जुट गई है। दोस्तों पाकिस्तान के सूचना मंत्री के बाद अब बड़ बोले विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी भी हिजाब विवाद में कूद पड़े हैं। कुरैशी ने कहा है कि मुस्लिम लड़कियों को शिक्षा से वंचित रखना उनके मानव अधिकारों का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि दुनिया को यह समझना होगा भारत में यह मुसलमानों के दमन का प्लान है। कुरैशी ने दोस्तों ट्वीट करके कहा है, आप ट्विटर पर यह ट्वीट उनका देख पा रहे होंगे दोस्तों, जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत में मुस्लिम लड़कियों को शिक्षा से वंचित रखना उनके मानवाधिकारों का उल्लंघन है, ऐसे किसी भी मूलभूत अधिकार से किसी को विमुख करना और उन्हें हिजाब पहनने को लेकर सताना दमनकारी है। दुनिया को निश्चित रूप से समझना होगा कि यह भारत सरकार के मुसलमानों के दमन के प्लान का हिस्सा है। इससे पहले इमरान खान सरकार के सूचना मंत्री फवाद चौधरी ने भी प्रधानमंत्री मोदी जी और भारत को लेकर जहरीले बयान दिए थे। जी हां दोस्तों, फवाद चौधरी ने ट्वीट करके कहा था कि मोदी के भारत में जो कुछ चल रहा है वो डरावना है, भारतीय समाज अस्थिर नेतृत्व में सुपर स्पीड से पतन की ओर जा रहा है, हिजाब पहनना अन्य ड्रेस की तरह से एक निजी पसंद का मामला है, नागरिकों को मुक्त होकर अपने फैसले लेने का अधिकार दिया जाना चाहिए। अल्लाह अकबर, फवाद चौधरी का ये बयान ऐसे समय पर आया है दोस्तों, जब पाकिस्तान में जन्मी नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफ फजई ने भी कहा है दोस्तों कि लड़कियों का हिजाब पहनकर स्कूलों में घुसने से रोकना भयावह। ऐसे में दोस्तों आखिर भारत को ज्ञान कौन दे रहा है दोस्तों, पाकिस्तान जो खुद पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर दोस्तों अत्याचार करता आया है और हमेशा से उसने अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय, सिखों समुदाय को सताया है दोस्तों, और आज नेता बन करके और ज्ञानी बन करके दोस्तों भारत को सीख देने की कोशिश कर रहा है और अन्य देशों के सामने भारत को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है दोस्तों, खास करके पाकिस्तानी विदेश मंत्री। क्या कहना है आपका, क्या जवाब होगा, इस पर कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों, और भारी मात्रा में पाकिस्तान को यह जवाब जरूर दीजिएगा कि भारत की जनता किसी भी बाहरी दखल का सपोर्ट नहीं करती है और बाहर से दखल भारत के आंतरिक मुद्दों में नहीं देना चाहिए। एक सीख दोस्तों पाकिस्तान को जरूर दे दीजिएगा आप लोग। अगली खबर की बात करें, जहां पाकिस्तान के लिए भस्मासुर बना तालिबान, अब सीमा पर बनाएगा 30 सैन्य चौकियां और भारत से बढ़ा रहा है दोस्ती। जी हां दोस्तों, अफगानिस्तान में अशरफ गनी की सरकार को हटाने में दिल खोलकर मदद करने वाले पाकिस्तान के लिए तालिबानी आतंकी भस्मासुर बन गए हैं। एक तरफ जहां तालिबान का पालतू टीटीपी पाकिस्तानी सैनिकों की हत्या कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर तालिबानी सरकार अब डूरंड लाइन पर 30 नए सैन्य चौकियां बनाने जा रही है। दोस्तों तालिबान का मकसद पाकिस्तानी सैनिकों के अफगानिस्तान की सीमा में घुसने से रोकना है। यही नहीं, तालिबान ने ऐलान किया है कि वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा को अलग करने वाली डूरंड लाइन को भी नहीं मानता है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक तालिबानी अफगानिस्तान में दी गई पाकिस्तानी सेना की मदद को भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। अफगानिस्तान में जब तालिबानी शासन आया था उस समय पाकिस्तान ने जमकर जश्न मनाया था, लेकिन वही
वही तालिबानी अब पाकिस्तान के लिए नासूर बनता जा रहा है दोस्तों। इमरान खान ने तो तालिबानी जीत को अपनी जीत के रूप में लिया था, लेकिन अब तालिबान ही उसका जड़ काटता नजर आ रहा है दोस्तों, और भारत के साथ लगातार तालिबान दोस्ती बढ़ा रहा है। और ऐसे में अब पाकिस्तान का क्या होगा दोस्तों, इधर से तालिबान, उधर अंदर TTP, बाहर बलूचिस्तान, यानी कि दोस्तों चारों तरीके से आतंक का आका कहे जाने वाला इमरान खान अब घिरता नजर आ रहा है दोस्तों। और कब पता है पाकिस्तान के साथ कब विनाशकारी कारनामा हो जाए दोस्तों, किसी को नहीं पता। इस पर आपकी क्या राय सुझाव होगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली खबर की बात करें जहाँ रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने दी बड़ी धमकी, नाटो में शामिल हुआ यूक्रेन तो होगा परमाणु युद्ध। जी हाँ दोस्तों, यूक्रेन को लेकर जारी तनाव के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बड़ी चेतावनी दी है दोस्तों कि अगर कीव नाटो में शामिल हुआ तो परमाणु युद्ध होगा। पुतिन ने ये चेतावनी ऐसे समय पर दी है दोस्तों जब रूस ने पोलैंड की सीमा के पास परमाणु हथियार लेकर जाने में सक्षम MiG-31 के विमानों को तैनात किया है। रूस ने इस बात का भी खंडन किया है कि पुतिन और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के बीच बातचीत के दौरान यूक्रेन पर डील हो गई है। जी हाँ दोस्तों, रूस का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब फ्रांस ने दावा किया है कि यूक्रेन पर रूसी राष्ट्रपति से बातचीत में यूक्रेन पर रियायत मिल गई है, लेकिन पुतिन ने इस बातचीत के दौरान यह भी कहा है कि पश्चिमी देशों ने हमारी चिंताओं पर कोई ध्यान नहीं दिया है। मैक्रों ने कहा कि पुतिन ने उन्हें बताया है कि वो यूक्रेन में तनाव को नहीं भड़काएंगे और बेलारूस में ना तो रूस का स्थायी ठिकाना होगा और ना ही रूसी सेना की तैनाती स्थायी होगी। रूस ने अपने हजारों की तादाद में सैनिक बेलारूस भेज रखे हैं। जी हाँ दोस्तों, बता दे पुतिन ने फ्रांसीसी राष्ट्रपति से साफ साफ कहा है कि वो एक बार और इस बात पर जोर देना चाहते हैं कि यदि यूक्रेन नाटो में शामिल होता है तो यूरोपीय देश ही स्वतः ही इस रूस के साथ जंग में खींचे जाएंगे। पुतिन ने चेतावनी दी है, निश्चित तौर पर नाटो और रूस के बीच सैन्य ताकत अतुलनीय है, हम इसे समझते हैं, लेकिन हम ये भी समझते हैं कि रूस एक प्रमुख परमाणु ताकत है और कुछ अत्याधुनिक हथियार तो कईयों को पीछे छोड़ सकते हैं, इसमें कोई विजेता नहीं होगा और आप अपनी मर्जी के बिना ही इस विवाद में शामिल हो जाएंगे। यानी कि दोस्तों इधर से रूस नहीं हटने वाला तो उधर अमेरिका भी दोस्तों पीछे नहीं हटने वाला। आपको बता दें, अगली बड़ी खबर आ रही है जहां पर UAE की रक्षा करेगा अमेरिका, तैनात करेगा दुनिया का सबसे खतरनाक लड़ाकू विमान F-22 रैप्टर। जी हाँ दोस्तों, यमन के ईरान समर्थक हूती विद्रोहियों के हमले झेल रहे संयुक्त अरब अमीरात की रक्षा के लिए अमेरिका आगे आया है दोस्तों। अमेरिका ने ऐलान किया है कि वो अपने सबसे खतरनाक समझे जाने वाले F-22 फाइटर जेट और एक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर को UAE के आसपास तैनात करेगा। अमेरिका का जंगी जहाज USS कोल खाड़ी देश के आसपास समुद्र में गश्त लगाएगा। जी हाँ दोस्तों, बात कर अगली खबर की जहाँ क्वाड की बैठक में भाग लेने ऑस्ट्रेलिया जाएंगे जयशंकर, कई क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर होगी बातचीत। जी हाँ दोस्तों, विदेशी मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर 10 से 13 फरवरी तक ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर रहेंगे। विदेश मंत्री के तौर पर ये उनकी पहली आधिकारिक यात्रा होगी। ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री मारिस पायने के निमंत्रण पर जयशंकर केनबेरा पहुंचेंगे। दोस्तों जयशंकर यहाँ ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के विदेश मंत्रियों के साथ मेलबोर्न में 11 फरवरी को चौथे क्वाड बैठक में भाग लेंगे। इस बैठक में कोरोना महामारी, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट चेंज सहित क्षेत्रीय मसलों पर बातचीत होनी है। जी हाँ दोस्तों, क्वाड ग्रुप की बैठक में भाग लेने के बाद जयशंकर 12 फरवरी को ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री के साथ द्विपक्षीय बातचीत भी करेंगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में जयशंकर जी को इसके लिए ऑल द बेस्ट जरूर कह दीजिएगा और हैप्पी जर्नी कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों बढ़ते अगली खबर की तरफ जहाँ पर बलूचों को पाकिस्तानी सेना से जंग की ट्रेनिंग दे रहा है TTP। जी हाँ दोस्तों, अब क्या करेंगे इमरान खान, आपको बता दें पाकिस्तानी सेना के लिए काल बन चुके TTP आतंकियों ने अपने दुश्मन का खात्मा करने के लिए बलूचिस्तान के विद्रोही गुट बोले तो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लड़ाकुओं को ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया है दोस्तों। तहरीके तालिबान BLA के विद्रोहियों को पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर मौजूद अपने ट्रेनिंग कैंप में इन आतंकियों को यह प्रशिक्षण दे रहा है। इस ट्रेनिंग का यह असर ये हो रहा है दोस्तों कि हाल ही में BLA ने बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना के एक मुख्यालय पर कब्जा करके कई सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। जी हाँ दोस्तों, बता दे खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में सक्रिय TTP के एक आतंकी ने रूस की समाचार एजेंसी स्पुतनिक को बताया कि इस ट्रेनिंग के बदले में BLA हमें बलूचिस्तान
पाकिस्तान में घुसने में मदद कर रहा है। आतंकी ने बताया है कि जब पाकिस्तानी सेना खैबर पख्तूनख्वा इलाके में आतंकवाद निरोधक अभियान चलाती है तो वे इससे बचकर बलूचिस्तान भाग जाते हैं। टीटीपी के ये कथित ट्रेनिंग कैंप अफगानिस्तान पाकिस्तान की सीमा पर मौजूद है। यानी कि दोस्तों अब पाकिस्तान में बैठा टीटीपी का ग्रुप बलूचिस्तान को ट्रेनिंग दे रहा है दोस्तों, यानी कि कहीं ना कहीं बलूचिस्तान को पूरी तैयारी टीटीपी करवा रही है पाकिस्तानी सेना से लड़ने के लिए। आपकी इस प्रकार क्या राय सुझाव होगी दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइएगा। पाकिस्तानी सेनाओं की और पाकिस्तानी पीएम इमरान खान की हालत जरूर खराब होने वाली है दोस्तों कहीं ना कहीं, आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां पर सुरक्षा में हुई चूक के बाद पहली बार पंजाब जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जालंधर की रैली में करेंगे जनता से बात। आपको बता दें पंजाब विधानसभा चुनाव में काफी कम वक्त बचा हुआ है, ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां जनता को लुभाने की कोशिश में जुटी हुई है। बीजेपी की ओर से अब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पार्टी की कमान संभालते नजर आ रहे हैं। मंगलवार को वर्चुअल रैली करने के बाद अब पीएम मोदी जी पंजाब में फिजिकल रैली करेंगे। 5 जनवरी को पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई चूक के बाद यह पहली बार है जब पीएम मोदी जी पंजाब का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 फरवरी को पंजाब के जालंधर में फिजिकल रैली करेंगे और पंजाब की जनता से सीधे बात करेंगे। इससे पहले मंगलवार को फतेह रैली में हिस्सा लेते हुए भी उन्होंने इस बात की जानकारी दी थी। उन्होंने कहा था कि वो कुछ दिनों बाद फिर पंजाब जाएंगे, लोगों को मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अब देखना ये होगा दोस्तों कि मोदी जी के विरोध में पहले की तरह उतरे खालिस्तानियों का मुंह कैसे भारत सरकार बंद करती है। क्या कहते हैं आप लोग, आपकी क्या राय सुझाव होगी इसमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां मुलायम के कहने पर अखिलेश संग आए शिवपाल के मन में ठगे रहने का रह गया है दर्द, चाचा भतीजे के रिश्ते में फिर आई खटास। जी हाँ दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देकर उत्तर प्रदेश की सत्ता में काबिज होने को बेकरार समाज पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रिश्तों में आई खटास को दूर करते हुए विधानसभा चुनाव से पहले अपने चाचा शिवपाल सिंह यादव की पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी को गठबंधन में शामिल तो कर लिया है, मगर सत्ता की खातिर दोनों के बीच हुआ यह समझौता कितना टिकाऊ साबित होगा, इसे लेकर संशय के बादल मंडरा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इटावा में अपनी परंपरागत सीट जसवंत नगर से शिवपाल सपा के चुनाव चिन्ह साइकिल के साथ चुनाव मैदान पर है, मगर उम्मीद से कोसों दूर उनकी पार्टी को गठबंधन में सिर्फ इसी सीट की हिस्सेदारी से संतुष्ट होना पड़ा है, जबकि उनकी पार्टी के कई उम्मीदवार चुनाव जीतने की स्थिति में थे। नतीजन प्रसपा के कई पदाधिकारी पार्टी छोड़कर अन्य दलों का रुख कर चुके हैं। शिवपाल के मन की ये पीस रह रहकर उनके बयानों से झलकती दिखाई दे रही है दोस्तों। यानी चुनाव प्रचार के दौरान एक ढाबे में रुके शिवपाल का दर्द उनकी जुबान से आखिरकार बाहर ही आ गया दोस्तों। उन्होंने कहा कि वो अपने बड़े भाई मुलायम सिंह यादव का बेहद सम्मान करते हैं और उन्हीं के कहने पर सपा गठबंधन का हिस्सा बने थे। जी हाँ दोस्तों, यानी कि शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी से जुड़े जरूर लेकिन दोस्तों दिल से नहीं जुड़े हैं, क्योंकि अखिलेश यादव ने हर बार की तरह दोस्तों अपने चाचा को ठगने की कोशिश की और इस बार भी बुरे तरीके से ठगा है दोस्तों। इस पर आपकी क्या निजी प्रतिक्रिया होगी दोस्तों कमेंट में जरूर बताइएगा। और जो अपने घर में ही दोस्तों डाका डालता हो, घर में ही रिश्तेदारों को ठगता हो दोस्तों, वो भारत की जनता बोले तो उत्तर प्रदेश की जनता को कैसे नहीं ठगेगा, इसकी क्या गारंटी है दोस्तों। क्या कहते हैं आप लोग, जवाब जरूर दीजिएगा। और ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी दोस्तों। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप फेसबुक ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। और खबरों का सिलसिला लगातार हमारे चैनल पर जारी है तो अपडेट रहना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। मिलते हैं हम आपसे अगली खबर में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम, हर हर महादेव।